वेरी गुड तो फिर आप जो पता चला वालिद साहब को तो क्या रिएक्शन था डील कैसे किया उनसे आपने? नहीं वो बस बात नहीं कर रहे थे कुछ दिनों तक अच्छा तो फिर आपने, है, आपने ना नहीं नहीं ऐसा नहीं अच्छा। होता है गर <laughs> <laughs> के, के ले दे? कि बाबूजी प्लीज मुझे जी ले तो फिर उन्होंने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी घर पे भी

माया अली वहाज अली मोमना इकबाल नियर डेथ एक्सपीरियंस ये क्या वाक्या हुआ था सबसे ज्यादा चीखें किसने मारी आप शर्मा रही हैं या हंस रही हैं मैं शर्मिंदा हो रही हूँ शर्मिंदा हो रही है थैंक यू थर्ड क्या हुआ क्या <laughs> कुछ भी नहीं हुआ था एक्चुअली uh, उससे दो तीन दिन पहले ही हमने अपने ड्रामे का ओएसटी शूट किया था अच्छा, में अच्छा। अच्छा तो मेरी पूरी स्किन बर्न हो गई हुई थी बैक से फेस से पूरी बर्न थी तो किस मैं हुई? मुझे सन बर्न हो गया था सन की नहीं नहीं दरास, तो बहुत ज्यादा स्किन मेरी खराब हो चुकी थी तो मैं घर आ रही थी कराची से लाहौल तो मैंने बस सडन फ्लाइट कराई कि मैं जा रही हूँ और आई वॉज आखिरी पैसेंजर जिसने बस भाग के मैंने जाके बोला प्लीज मुझे घर ले जाओ उन्होंने कहा चले ठीक है अब आप लेट आई है लेकिन हम आपको इन करें तो मेरे माइंड में ऑलरेडी मुझे फ्लाइट फोबिया था तो मेरे माइंड में था हाई अल्लाह मैं आखिरी पैसेंजर थी कुछ हो ही ना जाए तो वो मेरे माइंड में चल रहा था तो मैं आखिरी उसने उसके बाद काउंटर क्लोज कर दिया वो चीजें थॉट्स मेरे माइंड में आ रही थी और उसमें जो फ्लाइट में हुआ मैंने तो किसी को

और जब लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया फिर मुझे रूहें भी आती हैं आपके शो <laughs> <laughs> में वही सोच रहा हूँ वरना अगर कुछ अल्लाह ना करे हो जाता तो फिर तो फिर बन के आप हमारे शो पर आती नहीं फिर मैं हिसाब दे रही होती अभी तक वैसे ऐसे तो जिंदगी में और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके जीते जी हिसाब लेने भी तुले होते हैं लेकिन क्या करें ये मुझे इन लोगों का क्या करें हम नॉन एग्जिस्टेंस आप बिल्कुल इनको कोई भाव नहीं देती नहीं जब मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है फिर मैं दे देती हूँ लेकिन ज्यादातर मैं इग्नोर ही करती हूँ ये, ये कौन लोग हैं जो आपका इतना दिमाग खराब करते हैं

एक ही हाँ। खुल के उसके बाद वो मेरे ख्याल में नस काट लेता होगा जो भी होगा <laughs> कातिलाना क्या बात है कुछ तो असर हो नेगेटिव रोल करने का हाँ। कुछ तो फायदा हो भाई जो नेगेटिव रोल इतना अच्छा करती हो उनके साथ नेगेटिव कमेंट उनकी तो प्रैक्टिस है <laughs> तो माशाल्लाह आपने फिल्म की जुदाई फिर आ, दाल चावल yes. तो अब अगली फिल्म सिरिपाई के एक्चुअली actually, actually हम कश्मीरी है ना तो हम काम ही दाल चावल से शुरू करते हैं कितना डिफिकल्ट था आपके लिए कमिंग फ्रॉम uh, hmm. no में ऐसे होता था कि ये पहले क्यों आ गया है मतलब इस अभी ये नया आया है और इसको लीड मिल गया है कैसे मिल गया है स, अगर आपको सेकेंड लीड भी मिल गया है, तो सीनियर्स की प्रियोरिटी होती थी, थी कि पहले हम तैयार हो जाए या पहले हमारा सीन हो जाए या पहले हमारा कट हो जाए मतलब उस तरह से होता था एक शादी फंक्शन है पहले हम तैयार हो हमारा सीन हो जाए सीनियर्स ने तंग भी किया शुरू में हाँ, शुरू में मतलब इस तरह होता था कि आ, वो कहते थे वही बात होती है ना कि अगर आप बैठे भी हो तो दे डोंट लाइक के कोई बैठा भी है नॉन लेकिन ये होता होता है है कि वक्त के साथ साथ किसी भी आप शोबे में जाएं ऐसा ही आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जगह बना लेते और हैं और आपने अपनी जगह बना ली आपने ये नहीं सोचा कि मैं किसी कनेक्शन से आई हूँ मेरा इंडस्ट्री में बैकग्राउंड है नहीं है मोमना आई है तो मोमना ने छाना है यस ये आपका एक मोटो था हाँ मैंने कभी भी गिवअप नहीं किया मुझे काम करना था तो मैंने किया बाकी इज़्ज़त तो अल्लाह ताला ने देनी है और फिर सारों ने इतना मुझे प्यार किया कि फिर मैं मुझे लगा कि अब जब मुझे इतना प्यार मिल रहा तो फिर मुझे और चाहिए तो फिर मैंने और काम किया